हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ कॉल एजुकेशन। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री पाकिस्तान, जब से भारत में 370 और 35 को भारत सरकार ने ख़त्म किया, तब से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पहले इन्होंने ट्रेड को सस्पेंड किया, मूवीज पर बैन लगाया, ट्रेन और बस को सस्पेंड किया, हमारे हाई कमिश्नर को भी एक्सपेल कर दिया। इससे भी जब ये नहीं माने तो ये पहुँचे यूनाइटेड नेशंस में। अभी यूनाइटेड नेशंस की जो प्रेसिडेंटशिप है वो पोलैंड के पास है, तो पोलैंड ने ये कह के मना कर दिया कि 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग द कश्मीर इशू इज़ द बायलैटरल इशू, यानी कि ये द्विपक्षीय मुद्दा है। पर इनका एक जो ईवरग्रीन फ्रेंड है चाइना, चाइना यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, और इस वजह से चाइना ने यूएनएससी में एक इनफॉर्मल मीटिंग को अरेंज कर लिया। देखिए, अगर पाकिस्तान को या किसी को भी यह लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएसए, रसिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना, इन 5 मेंबर में से किसी भी मेंबर के लिए एक इनफॉर्मल मीटिंग को अरेंज करना एक बहुत ही आम बात है। तो चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के इशू को उठाया और इनफॉर्मल मीटिंग हुई। ये मीटिंग 16 अगस्त 2019 को कंडक्ट कराई गई। अगर बात करें कि इससे पहले कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में लास्ट टाइम कब उठा था, तो लास्ट टाइम 1965 में यूएन में डिस्कशन हुआ था। इसके बाद से लेकर के अब तक कश्मीर इशू पर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। देखिए, इस मीटिंग में सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यह इनफॉर्मल मीटिंग थी। इनफॉर्मल मीटिंग होने के साथ साथ में इसमें सिर्फ अलाउ किया गया था 5 परमानेंट मेंबर्स को और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। आप लोगों को मालूम होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, जो कि 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते रहते हैं। अभी इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में ना तो पाकिस्तान है और ना ही इंडिया है, और इंडिया और पाकिस्तान परमानेंट मेंबर भी नहीं है। इस वजह से इस मीटिंग में इन दोनों कंट्री में से किसी भी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ये मीटिंग कहाँ हुई, तो ऑब्वियस है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यानी कि यूएसए, और वहीं पर इस मीटिंग को कंडक्ट कराया गया। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में होगा कि मीटिंग हो गई, चाइना ने मीटिंग अरेंज करा ली, कश्मीर के इशू को यूनाइटेड नेशंस में उठा दिया, तो मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकला। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप पहले ये जानिए कि यूनाइटेड नेशंस में जब भी इनफॉर्मल मीटिंग होती है तो ना तो रिकॉर्ड होता है कोई, यानी कि ये मीटिंग रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। दूसरा, इस मीटिंग का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता। अगर कोई फॉर्मल मीटिंग हो तो जब मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में एक सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से प्रेस रिलीज किया जाता है और स्टेटमेंट दिया जाता। यानी कि इन 15 कंट्रीज के लोगों ने एक रूम के अंदर बैठ के मीटिंग कंडक्ट की, और मीटिंग के बाद में बिना किसी स्टेटमेंट को दिए मीटिंग कंप्लीट कर ली गई। फिर भी रसिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स मीडिया के सामने आए, तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि हुआ क्या। देखिए, सबसे पहले तो यूएन के डिप्लोमेट्स से ये पता चला कि चाइना को छोड़ करके जितने भी मेंबर्स थे, सारे के सारे मेंबर्स ने इंडिया का सपोर्ट किया और यही कहा कि यह एक बायलैटरल मुद्दा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसके अलावा ना तो यूएन इन्वॉल्व होगा और ना ही कोई अदर थर्ड कंट्री। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में तो ये कह दिया गया कि द्विपक्षीय मुद्दा है, पर इससे पहले मीटिंग में जाने से पहले ही रसिया के रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग हॉल में घुसने से पहले मीडिया को ये बोल चुके थे कि देखिए, यह इशू जो है ये बायलैटरल इशू है। इसे कहते हैं एक सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त की जो फर्ज है वो रसिया ने निभाया। अब बात करते हैं कि चाइना का क्या व्यू था। देखिए, सबसे पहले तो चाइना ही वो खुरापाती तत्व है जिसने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को उठाया। पाकिस्तान की
तरफ से जो मुद्दा उठाने की बात की गई थी उसको पोलैंड रिफ्यूज कर दिया गया था, और पाकिस्तान की किसी भी तरह इतनी हालात नहीं है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग अरेंज करा सकें, पर बीइंग अ परमानेंट मेंबर चाइना ने इस मीटिंग को कराया। और इनके जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं झांग जुन, इन्होंने यही कहा कि ये सीरियस कंसर्न है, यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं और इंडिया ने जो यूनिलैटरल एक्शन लिया वो नहीं लेना चाहिए था, और दोनों साइड से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यूनिलैटरल एक्शंस ना लें, ये टेंशन को क्रिएट कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों। एक बात मैं बता दूं, अभी आप लोग अगर करंट न्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो हांगकांग पर, जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, हांगकांग में डेमोक्रेसी से रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहे हैं। चाइना पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए जाना जाता है। कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में अभी 10 से 11 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है, ना तो किसी की डेथ हुई ना ही किसी को सीरियस इंजरी हुई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ह्यूमन राइट वायलेशन की कहीं से बात नहीं उठती। कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कहा है कि धीरे धीरे कंडीशंस जो हैं वो इम्प्रूव होंगी और रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जाएगा। एक बात भी सही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कश्मीर में पहले से आर्मी है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए है, ना कि वहाँ ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए। पाकिस्तान का व्यू क्या होगा? ऑब्वियसली इनकी जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान की मलीहा लोधी, इन्होंने यही बोला है कि ये इंटरनल मैटर नहीं है इंडिया का, जो कि इंडिया हमेशा से कहता आ रहा है कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है। इनका ये भी कहना है कि अगर सिचुएशन ठीक रहे तो इंडिया और पाकिस्तान बायलेटरल टॉक्स के जरिए इस मुद्दे को सॉल्व कर सकता है। फाइनली पाकिस्तान का व्यू आप रोज देख रहे हैं, मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूँ कि इंडिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया। सबसे पहले तो मैं सलूट करता हूँ यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सैयद अकबरुद्दीन जी को। इन्होंने बहुत ही अच्छे से इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को रखा और पूरी दुनिया इससे सहमत भी हुई। यही नहीं, चाइना और पाकिस्तान वालों ने तो पत्रकारों के क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं दिए, इन्होंने पत्रकारों के भी सवालों के जवाब दिए हैं। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि देखिए आर्टिकल 370 का हटाना, यह पूरी तरह से इंडिया का इंटरनल मैटर है और ना तो किसी तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ना ही कोई भी कंट्री को इंडिया स्पेस नहीं देता कि वो इस मुद्दे में किसी भी तरह से, अगर शुद्ध भाषा में कहें तो, टांग अड़ाए। मतलब कि भारत का कश्मीर, भारत उसमें 370 हटाए या कुछ भी करे, इसमें थर्ड कंट्री या वर्ल्ड की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरफेयर जायज नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने एक जो बढ़िया बात लगी वो ये बोली कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, यानी कि आप आतंकवाद को भी बढ़ाते रहें और बातचीत भी करते रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह का डायलॉग चाहता है तो पहले उसको आतंकवाद से निपटना होगा, इसके बाद बात कर सकता है वो। देखिए, ये तो कोई भी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी होगी, खास करके इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा नहीं करेगा कि आप उसके यहाँ आतंकी हमले करवाएं, आतंकवादियों को फंडिंग करें और वो आपसे बात भी करें। तो अभी के लिए कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को यूनाइटेड नेशंस में करारी हार मिली है। लगभग सारे देशों के द्वारा भारत को सपोर्ट किया गया और यह कहा गया कि यह बायलेटरल इशू है, इसमें ना तो किसी फॉरेन कंट्री और ना ही यूनाइटेड नेशंस या अदर ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट सही नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू सिमला एग्रीमेंट द डिस्प्यूट मस्ट बी रिजॉल्व bilaterally and the bilateral means it must be resolved by India and Pakistan। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और देखिए, जो चीन ने हरकत की है तो भारतीयों को इस बात का जवाब देना होगा। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताऊँ कि इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इस वजह से हम ट्रेड को चाइना के साथ सस्पेंड नहीं कर सकते कम्प्लीटली, पर सिटीजन्स चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो इससे पहले नेट पर सर्च कर लीजिए कि अगर वो मेड इन चाइना हो और मेड बाय चाइना हो तो दोनों प्रोडक्ट को खरीदने को आप अवॉइड करिए। हाँ, ऐसा हो कि उस प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेटिव ना हो, तब मजबूरी हो सकती है आपका खरीदना, पर आप कोशिश ये करिए कि आपको चाइनीज प्रोडक्ट
नहीं खरीदना, इससे चाइनीज इकोनॉमी काफ़ी हैम्पर होगी। ये भारत की तरफ से जवाब देने का एक सही तरीका है। दूसरा, इंडिया गवर्नमेंट जो है वो हांगकांग के मुद्दे को भी सपोर्ट कर सकती है। हांगकांग में जो हो रहा है उसको पूरा वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है, यूएसए यूके इनका ग्रेट सपोर्ट है। इंडिया को भी ओपनली हांगकांग के प्रोटेस्ट में हांगकांग के लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, और पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इशू को इंडिया को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए, इतना अच्छे से जितना अच्छे से ईस्ट पाकिस्तान के इशू को सपोर्ट करके एक नया कंट्री बांग्लादेश बनाया गया था। ठीक वैसे ही मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार भविष्य में इस तरह के कदम उठाएगी कि बलूचिस्तान भी अलग कंट्री बनेगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और भावनाओं में भावों का हो चुके होंगे अब तक, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके होंगे, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।